हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज बात करेंगे कस्टमर लाइफ साइकिल एंड कस्टमर एनालिसिस की। यानी कस्टमर एनालिसिस में एक ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है जिसमें कस्टमर एनालिसिस है, और इसी को हम ये बोल सकते हैं कि कस्टमर लाइफ साइकिल। जिस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है गाइस, इसी तरीके से कस्टमर लाइफ साइकिल भी होता है। तो कस्टमर लाइफ साइकिल में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कि प्रोस्पेक्ट, जिसको कि ये बोलते हैं कि फ्यूचर में जो कस्टमर बनने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। उसके बाद फर्स्ट टाइम बायर, ये नाम से ही पता चल रहा है कि पहली बार जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट रिपीट बायर, जो कि जो पहली बार परचेज किए हैं वो दोबारा से उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसको रिपीट बायर बोलते हैं। एंड फोर्थ कोर बायर, जो कि ऐसे बायर होते हैं जो कितने भी नए प्रोडक्ट कंपटीशन में आ जाए बट वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो इसको कोर बायर बोलते हैं। एंड लास्ट आता है डिफेक्टर, जो कि जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो छोड़ देते हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करना। ठीक है गाइज, तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। गाइज, प्रोस्पेक्ट बायर, गाइज सबसे पहले कि प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे कस्टमर जो फ्यूचर में बनने वाले हैं, यानी एक पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करने वाले हैं, अभी परचेज नहीं किए हैं। ठीक है गाइज, तो जैसे किस क्या होता है कि एक कंपनी है वो अपना एक मार्केट फिक्स करती है जिसको टारगेट मार्केट बोलते हैं, यानी कि कौन सी मार्केट में उसको सामान को परचेज करना है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उस मार्केट में जाके अपने सामान को बेचती है। तो देखते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स ए पोटेंशियल कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। यानी टारगेट मार्केट में, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि टारगेट मार्केट में जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। मतलब एक टारगेट, जैसे कि सपोज कि सिर्फ जैसे हमें एक फरीदाबाद में ही किसी चीज को बेचना है, ठीक है, तो फरीदाबाद में जो फ्यूचर में कस्टमर बनने वाले हैं उसको हम बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट एट बोथ द फॉर्म प्रोडक्ट और ब्रांड। यानी ऐसे सारे इंडिविजुअल्स जो अभी फॉर्म का जो प्रोडक्ट है या ब्रांड है उसको अभी परचेज नहीं किए हैं बल्कि अभी परचेज करेंगे, उसको ये भी क्या आता है? प्रोस्पेक्ट में ही आता है, या प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है। और इसके लिए कंपनी क्या करती है गाइस? टू क्रिएट अवेयरनेस और ए पोटेंशियल कस्टमर, यानी एक पोटेंशियल कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर के लिए वो, या अवेयरनेस के लिए क्या क्या करती है? इन द टारगेट मार्केट में फॉर्म यूज एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरनेट, टेली मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करती हैं किसके लिए? अवेयरनेस के लिए, या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस। उसके बाद आता है फर्स्ट टाइम बायर। फर्स्ट टाइम बायर में क्या आता है कि अगर एक कस्टमर जो कि कोई नया प्रोडक्ट आया है और वो एक बार उसको पहली बार मतलब खरीदता है और वो देखता है कि हाँ वो जो मैंने परचेज किया है वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, मतलब जिस पर्पस के लिए मैंने खरीदा है वो पर्पस पूरा होता है या नहीं। जैसे कि अगर हम एक सोप खरीदते हैं तो हमें उससे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना कि उसको यूज करने के बाद कोई बॉडी में रैशेस ना आए, या फिर मुझे मतलब वो स्मूथ हो। तो ये सारी चीज़ें अगर वो सेटिस्फाई है, वो एक नया प्रोडक्ट खरीद कर ये सेटिस्फाई करना चाहता है कि हाँ मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है। तो वंस द प्रोस्पेक्ट हैज़ डिसाइडेड टू बाय, द कस्टमर एंटर द ट्रायल स्टेज। यानी कि जो वो प्रोस्पेक्ट कस्टमर था वो अगर पहली बार उस किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, यानी कि उस कंपनी ने जैसे पियर्स है और वो मार्केट में लेकर आई थोड़े से उसमें मॉडिफाई करके, तो जो पहली बार उस पियर्स को परचेज कर रहा है तो उस कस्टमर को बोलते हैं कि उस कस्टमर ने ट्रायल स्टेज में एंटर किया है। ठीक है गाइस,
उसके बाद दिस स्टेज कस्टमर इज इवेल्युएटिंग द फॉर्म प्रोडक्ट सर्विस एंड कंजप्शन एक्सपीरियंस। तो इस स्टेज में कस्टमर करता क्या है कि वो फॉर्म का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या जो वो कंजप्शन उसने जो कंज्यूम किया उसको उससे सेटिस्फाई मिला नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो पहली बार जो कस्टमर खरीदता है वो खुद इवेलुएट करता है। ठीक है, तो ये कस्टमर का काम होता है। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, जो फॉर्म है, फॉर्म की क्या स्ट्रेटजी होती है कि उस कस्टमर को इस तरीके से रोक के रखना, यानी प्रोडक्ट में इस तरीके से गुण हो, एडवांटेज हो, ताकि वो उस कस्टमर को जाने से रोके। तो इसको बोलते हैं मतलब फर्स्ट टाइम बायर के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं, जैसे द फॉर्म स्ट्रेटजी शुड टू बी क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर टू रिपीट हिज प्रोडक्ट। यानी उसकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा आए, ताकि वो दोबारा से उस चीज़ को परचेज करें। थर्ड है रिपीट बायर। गाइज, रिपीट बायर उसी बोलेंगे ना जो कि उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, जैसे पियर्स को किसी कस्टमर ने परचेज किया और उसको अच्छा लगा तो वो दोबारा से उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को यानी पियर्स को खरीदेगा, तो उसको रिपीट बायर बोलते हैं। कस्टमर रिपीटिंग देयर परचेज एंड आर सेटिस्फाइड विद देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस। यानी जो कस्टमर है वो किसी प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदता है और जब पहली बार उसने खरीदा था उससे वो सेटिस्फाई होता है, तो उसको बोलते हैं रिपीट बायर। आई होप समझ में आया होगा गाइस। उसके बाद आता है कोर कस्टमर्स, या इसको हम कोर बायर्स भी बोल सकते हैं। कोर बायर्स का मतलब होता है कि अगर मार्केट में कितने भी कंपटीटर आए उस प्रोडक्ट के अलावा, पर जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। जैसे पियर्स है, पियर्स के अलावा सिंथॉल है, लाइफ बॉय है और बहुत सारे ऐसे सोप आए, पर फिर भी जो कस्टमर उससे सेटिस्फाई है वो बार बार उसी पियर्स को ही यूज़ करेंगे और ख़रीदेंगे। तो इस टाइप के जो कस्टमर है उसको कोर कस्टमर बोलते हैं। जैसे देखते हैं, कोर कस्टमर्स आर दोज हु डू नॉट स्विच देयर ब्रांड। तो इसका मतलब यही है गाइस कि जो कस्टमर, कोर कस्टमर का मतलब वो जो कभी भी उस ब्रांड की चीज़ को, यानी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट या पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को वो स्विच नहीं करते हैं, वो खरीदना बंद नहीं करते हैं। कोर कस्टमर्स आर ऑल्सो दोज हु डिस्पाइट कंपिटिशन प्रेफर टू रिमेन विद द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। यानी कि कितने भी जो उस कंपटीशन में, उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में कितने भी प्रोडक्ट आए, बट जो कस्टमर है वो उसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे उससे, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं और उनको जो चीज़ मतलब सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो उससे मिल रही है। लास्ट लास्ट वन, डिफेक्टर। डिफेक्टर्स का मतलब ये होता है गाइस, जो कस्टमर अगर किसी चीज प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्विच कर देते हैं, यानी उस ब्रांड की चीज़ को वो परचेज करते ही नहीं है। और वो किस वजह से नहीं करते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए, कि दोज आर कस्टमर्स हु हैव रिजेक्टेड द कंपनीज ऑफरिंग। यानी जो भी कंपनी ऑफर करती है, यानी कि जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि पियर सोप, अगर पियर सोप ऑफर कर रही है कंपनी, तो अगर उससे उसमें क्या क्या चीज़ें अगर नहीं होगी तो जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो जो कस्टमर है वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि पुअर सर्विस, मान उसमें पुअर, अब साबुन है उसमें पुअर सर्विस में क्या हो सकता है भाई, कि अगर कोई चीज़, अगर उसने जो साबुन है, साबुन में क्या हो सकता है कि जैसे कि वो इजीली मिल ही नहीं रहा है, आसपास की दुकानों पे ही नहीं मिल रहा, सपोज ये एज ए एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल, तो इसको सीरियस ना ले कि हाँ मिलता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल मैंने बस समझाने के लिए बताया कि वो आसपास की दुकानों पे नहीं मिलता सपोज, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे रूड या डिसकर्टियस, यानी कि जो कस्टमर है वो रूड बोलता है, या जो अगर हमने कोई शिकायत की तो वो क्या करता है कि अच्छी तरीके से बात नहीं करता, रूड बोलता है या अभद्र भाषा यूज़ करता है। डिसकर्टियस का मतलब होता है
उसके बाद जैसे अगर हमने अगर ऑनलाइन मंगाया तो बहुत दिनों में डिलीवरी हो रही है, या अगर नो रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेन, अगर उस साबुन को यूज़ करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, रैसेस हो रहे हैं या अदर और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर गाइस हमने कंप्लेन किया कंपनी कंपनी में, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, या फिर वो नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, और उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो सोप है यानी पियर्स, उसको वो रिजेक्ट कर देंगे, खरीदेंगे ही नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस, सो थैंक यू सो मच।